30 नवंबर 2022 को हैदराबाद पुलिस ने एक ही लड़की के साथ कई दिनों तक रेप करने वाले 5 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये सभी पोर्न एडिक्ट थे, यानी उन्हें अश्लील वीडियो देखने की लत थी और घटना को अंजाम देने से पहले भी उन्होंने पोर्न देखा था। ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं है, आए दिन देश में पोर्न एडिक्ट लोग देश में इन घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्न एडिक्टर की और साथ ही इंडिया में पोर्न वेबसाइट होने के बाद भी लोग पोर्न कैसे देख पा रहे हैं। दरअसल पोर्न एडिक्शन को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें बार बार पोर्न देखने का मन होता है, जिससे उसकी डे टू डे लाइफ पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट के मुताबिक सेक्स लाइफ में असंतुष्ट होना, तनाव, मानसिक बीमारी, लाइफ स्टाइल आदि की वजहों से लोग पोर्न एडिक्ट बनते हैं। एक जरूरी बात, कहीं आप भी तो पोर्न एडिक्ट नहीं है? इसे चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, हर दिन आपका पोर्न देखने का मन करे और आप खुद को रोक ना सके, किसी काम को करते हुए भी आपको अश्लील वीडियो देखने का मन करने लगे, पोर्न वीडियो देखना बंद करने की चाहत हो परंतु इसके बाद भी आप पोर्न वीडियो देखे बिना ना रह सको, तो इसका मतलब साफ है कि आप भी पोर्न एडिक्टेड हैं। साल 2019 में भारत के 89% लोगों ने अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो कभी ना कभी देखा था। वहीं पोर्न हमने बताया कि सालाना एक औसत भारतीय लोग पोर्न वेबसाइट पर डेली कम से कम 8 मिनट टाइम बिताते हैं। पोर्न देखने वाले 44% भारतीय यूजर्स 18 से 24 साल के हैं, जबकि 41% यूजर्स 25 से 35 साल के हैं। इस जानकारी से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ऑनलाइन पोर्न मार्केट कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। वैसे भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है। साल 2017 से 2018 के बीच भारत में पोर्न देखने वालों की दर में 75% की बढ़ोतरी हुई है। छोटे शहरों में लोग इसे काफी संख्या में देख रहे थे और यही वजह है कि भारत ने 2018 में करीब 850 पोर्न वेबसाइटों को बैन किया था। इसके अलावा 29 सितंबर 2022 को भी सरकार ने 67 पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर बैन लगाया था। इसके बाद भी पोर्न वीडियो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है और इसकी तीन बड़ी वजह है, बैन पोर्न वेबसाइट का नए डोमेन के साथ बाजार में आना, VPN के जरिए भी लोगों का बैन की गई पोर्न वेबसाइट को एक्सेस कर लेना। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके जरिए लोग आसानी से बैन किए गए वेबसाइटों को भी एक्सेस कर लेते हैं। दरअसल VPN एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसके जरिए किसी भी वेबसाइट को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से पोर्न वीडियो शेयर किए जाते हैं। हालांकि दुनिया भर के नेता और जिम्मेदार लोग ये मानते हैं कि इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी और पोर्न वेबसाइट आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ही यौन उत्पीड़न जैसे केस आ रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और भी इसी प्रकार की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।